हेलो, हाँ जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कॉमेडी चैनल चोरी डक में। मैं अमित शर्मा। पिछले दिनों से आप कुछ दिनों से मेरे को नहीं देख पा रहे हैं, कारण बताता हूँ आपको। मेरा लग रहा था रोपा लगवाने के बाद मैं एक बार फिर से अपने एक्टिंग में आ चुका हूँ, अपने रोल में आ चुका हूँ। अपने संवाददाता का जो मेरा किरदार है मेरे न्यूज चैनल द्वारा मुझे दिया गया, उसमें एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और आते ही एक ऐसा सनसनीखेज खबर मेरे हाथ लगा है, एक ऐसे होनहार छाट के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, हमारे नजदीकी गांव भुसाहा बरिगामा का एक ऐसा होनहार छाट जिसका नाम है नंदू यादव। जी हाँ, नंदू यादव ने अपने गांव में 10वीं कक्षा की परीक्षा में 8वां स्थान अर्जित किया है। और उस होनहार छात्र का आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम रूबरू होते हैं, कुछ गुफ्तगू करेंगे अपने उस होनहार बिरवान छात्र नंदू यादव से। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ। आपको अभी मैंने बताया था कि भुसाहा बरिगामा गांव में आ चुका हूँ सोनार छात्र का इंटरव्यू लेने। और सूत्रों के हवाले से पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ, ये देखिए, चकौड़ा भाजी तोड़ते हुए आए हैं। आप, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि नंदू कौन है? आप नंदू हैं? मैं ना हूँ, मैं बंदू हूँ। कौन है नंदू? या। अच्छा, ये है नंदू। या। आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? शर्म लगा थी ना। अच्छा, आप शर्मा रहे हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ये होनहार छात्र जो जिन्होंने अपने गांव की मेरिट सूची में 8वां स्थान अर्जित किया था, अपने गांव का नाम रोशन किया है, तो होनहार छात्र नंदू, बिल्कुल उनके चेहरे पे फोकस करिए। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा टेंशन लीजिए। ओह नो। और भैया जो चकौड़ा भाजी थोड़ा सा 2 मिनट बंद रखिए, क्योंकि आपके जो साथी है, दोस्त है आपके, ये भाई आप करे चकौड़ा। जी हाँ, एक और खबर आ रही है कि मात्र अपने भाई के मेरिट सूची में आने पर ये लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज पार्टी देंगे, चकौड़ा भाजी इनके घर पे बनेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा नंदू जी से। नंदू जी, आप हमारे कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या? तुमको पहले तो बता दिया, मैं कॉमेडी चैनल चुरी तक का संवाददाता अमित शर्मा। पहले बताया होता हूँ, एक महीने से नहाए नहीं आया हूँ। कोई बात नहीं, हम बिना नहाए आपका इंटरव्यू ले लेंगे। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। मेरा नाम नंदू, गांव भुसाहा बरिगामा, जिला खोंघा पानी। जी हाँ, ये नंदू यादव हैं, इनका गांव है भुसाहा बरिगामा और ये खोंघा पानी जैसे बिलोंग करते हैं। आपसे हमारा अगला प्रश्न यह रहेगा कि आप अपने गांव का नाम रोशन किए हैं, 10वीं कक्षा की परीक्षा में आपने 8वां स्थान अपने गांव में अर्जित किया है, मेरिट की सूची में आपका 8वां स्थान है। तो आखिर आप अपने सफलता का राज बताएंगे, आपने मेहनत किस तरह से किया, थोड़ा सा उनमें आप प्रकाश डालिए। मेहनत तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ मैं, जानते है मोर बाबू सरपंच गाँव में किताब लेके आए रहे, बेच कर सगली मूंगफली खा लियो, चकाउड़ा भाजी जाओ भी मैं जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। इनके द्वारा यह बताया गया है कि इन्होंने पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया, इनके पिताजी द्वारा इन्हें किताब खरीदवाया गया तो जिसको इन्होंने मात्र 20 रुपए बेच के नमकीन खा लिया गया इनके द्वारा। अब आखिर जानते हैं कि जब इन्होंने पढ़ाई एक भी नहीं की तो आखिर सफलता जो मेरी सूची में इन्होंने 8वां स्थान अर्जित किया है वो किस वजह से, और आप बताएंगे कि आपने 8वां स्थान बिना पढ़े कैसे लाया? अरे वो नहीं जानते हो जो कौन देश के आज सरपंच जय हो, बहुत बड़ा उपकार करे मोरे। ऐसा क्यों कोरोना कारण आपको क्या फायदा हुआ? दो साल से पेपर दे तो पास नहीं हो ही पा रहे हो। फिर इस साल आपको कोरोना कार्ड फायदा मिला? झूठ बोलते हैं, 3 साल हो गया, 4th साल आए पेपर के, झूठ बोला थे, 4th साल पास है। जी हाँ, एक और सनसनीखेज खुलासा नंदू के दोस्त के द्वारा किया गया कि 4 साल से ये लगातार एक ही कक्षा में फेल हो रहे थे और इस बार कोरोना कार्ड इन्हें बेनिफिट मिला, फायदा मिला। अब जानते हैं वो फायदा कैसे मिला। मान लीजिए जो आप नाम बताए सरपंच का, उसके वजह से इतना फायदा मिला कि गांव में मेरा 8वां कोई का नहीं है, गांव में कोई पासा नहीं है। मोर बाबू के वो जो सरपंच है ना, ओखा छाती लागत फुटबॉल फाट जाई, आकाश से जाके छू जाई, जमेर मनाई
मका बता दो, मतलब इतनी प्रसन्नता हो रही है आपके गांव के सरपंच बहुत। और सुनने में आया था कि आपने जो 10वीं परीक्षा दी है उसमें सर्वाधिक अंक आपको अंग्रेजी विषय पे मिले। हाँ तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंग्रेजी आपसे आता है कि नहीं है। तो आईएनजी छोटी की मात्रा जी आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, इन्होंने अंग्रेजी की स्पेलिंग बताई, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आईएनजी छोटी की मात्रा गुस्सा कौन बार समझ जी। हाँ पहली बार ऐसा शायद आप सब कोई सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन पा रहे हैं कि इंग्लिश का जो स्पेलिंग इनके द्वारा बताया गया है आज तक किसी छात्र के द्वारा नहीं बताया गया। और आप इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है एक आध दो सेंटेंस बोल के दिखाएं। बहुत बोल लेता हूँ मैं, देखिए हमने उठी बुखारी ऐसे चबाएंगे और फिर लोटिया लेके बाहर आ जाएंगे और घर आके। जी हाँ आप बिल्कुल सुन पाए, इनके द्वारा कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। आप भी कुछ बोल रहे थे क्या? बात खाएं। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा हमारे ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारे नंदू यादव हैं और ये अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे, तो कुछ मैं क्वेश्चन इनके दोस्तों से भी करना चाहूंगा। आपका नाम बंधु बताए बंधु आप नंदाव जी हाँ नंदाव। और आप भैया जी हाँ आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। एक और अंतिम क्वेश्चन रहेगा मेरा इनसे, आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं तो छोटका हूँ बता रहे हैं, भाजी है तो यहाँ देखा इतना भाजी माँ मैं सबका खवा दे पूरी गाँव में, मतलब आज पार्टी चल रही है। हाँ चकौड़ा भाजी पार्टी और ओके साथ माथक गई हूँ सबका आज, मतलब पूरे दोस्तों के बीच पार्टी का माहौल है। और हम आज इनका इंटरव्यू लेने के बाद एक बार हम इनके गांव के सरपंच साहब से भी मिलने जाएंगे, आखिर उनसे भी जानेंगे कि उनके गांव का जो नाम रोशन हुआ है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है अपने गांव के युवाओं के बारे में। तो चलिए लेके चलते हैं सरपंच साहब की ओर। तो हम आ चुके हैं सरपंच साहब के घर के सामने, अब सरपंच साहब से हम कुछ बातें करेंगे, जानते हैं उनका राय, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, जानते हैं उस युवा के बारे में जो उनके गाँव का है। राम राम सरपंच साहब। अरे राम 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 राम, अपना हम न्यूज चैनल के संवाददाता हैं, अमित शर्मा नाम है हमारा। शर्मा जी कहाँ से आए? टीवी का चैनल है हमारा, टीवी का नाम है वो जो चैनल अच्छा ही। जी हाँ बिल्कुल सही सुना। वो है क्या हाल? मतलब भाई तो आप बिल्कुल फोकस करिएगा, हम कुछ बातें करेंगे अपने सरपंच साहब से। बैठ सकता हूँ? हाँ नीचे बैठा है नीचे। तो सरपंच साहब आज हमारे आने का एक मकसद ये था कि आपके गांव में चाय पिया कुछ? नहीं, रोपा लगा मैं तो तारे ठका नहीं, गांव में क्या सबके समय समय मेरे में खुद भी रोपा लगा के मैं आया हूँ, थोड़ा सा दो मिनट अपना दीजिएगा। साहब हमारा आने का मकसद ये था कि आपने जो मतलब आपके जो बड़े वाले लड़के उन्होंने अपने पूरे गाँव में 10वीं कक्षा परीक्षा में 8वां स्थान अर्जित किया है, तो उसके बारे में आपको खुशी कैसी महसूस हो रही है? पूछा शर्मा जी, जब से सुने हन कि वो पास हुई का है, हमारे पूरे साथी एकदम गर्व से फूला नहीं समाए, चरचरा हो इतना हंसी गया, इतना बहुत खुश। जी हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं कि सरपंच साहब के जो छोटे सॉरी बड़े बेटे नंदू यादव, हाँ बड़ा बेटे जो है मतलब नंदू यादव, इन्होंने अपने गाँव में गांव का नाम रोशन करते हुए गांव की मेरिट सूची में 8वां स्थान अर्जित किया, इसकी खुशी में शायद ये सरपंच साहब पार्टी की जी क्या गांव वाले कर रहे थे। नहीं जी मैं तंबाकू गलत बात, उम्र हो गया तो मैं अपना प्रेस ऑफिस दोहराऊंगी। गांव में मुझे अगल बगल चर्चाएं हो रही थी कि आज आप पार्टी दावत वगैरह भी दे रहे हैं। अरे ओखर इतना अच्छा नंबर आई जानते हैं आप, एक का बोला थी वो एक चीज सब विषय अंग्रेजी ही हुआ थे, हम पता नहीं बोलतो नहीं बना हुआ वमा पौने 35 नंबर पाई, पौने 35 नंबर पूर गांव आज तक को नहीं पाई, हमार पूर पीढ़ी करीब 35-38 पीढ़ी निकल गया तो पूर नो नंबर है को नहीं पाई, तो आज कहन वो एक कोना मार बंधु है वो एकदम तैयार है तो कुछ नहीं कर कोई बोलन दे गए हुआ पूरा भाजी हो ये चौका हुआ भाजी देखे हुआ अपना पूर ग्राम बटवा हुआ पूर गांव सबको न्यूटा करे ना, आज हमारे गांव दावत थी माठा माठा भात हुआ है तो कौड़ा भाजी अपना आओ जरूर खाई ना भाजी। जी हाँ तो जैसा कि आप सभी को पता चला कि आज ये अपने बड़े बेटे मेरिट सूची में नाम आने पर पूरे गांव में चकौड़ा भाजी और माठा की दावत दे रहे हैं,
और उसके साथ साथ चावल भी खिलाया जाए। मतलब आज इतनी प्रसन्नता है इनके अंदर की इन्होंने इनका जो सीना है वो शायद चरचरा के फट न जाए, इनको डर है और पूरे गांव को खुशी के मारे इन्होंने दावत दी है। और एक अंतिम और क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये गांव के सरपंच है, तो आने वाली पीढ़ी के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे पढ़ाई करे? आने वाली पीढ़ी जो है माँ बाप का बताइए अपना, जो हमारे बड़कौना है आजकल नंबर पर इतना है अच्छा, सब का हम बोले कि वो के कस देखा वो कितना पढ़ाई करत है कितना काम करत है, वो का पीढ़ी का है नंबर का पास, वो जो कोरोना है ना कोरोना वोरोना ओके कारण बढ़िया पास है तब इतने वो दिए ही ना, लेकिन क्यों पढ़ाई है ना मतलब इनको पढ़े आए कि नहीं? मैं ग्रेजुएट हूँ, बारहवीं के बाद 3 साल 15वीं तक पास हूँ। ओ दादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, इनके का तुमरे को बताओ पढ़ाई लिखा अपना पढ़ता हूँ तो पता है ना? जी जरूर जी। तो जैसा कि आपने सुना कि ये गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं कि पढ़ाई जरूरी है और इनके बेटे के द्वारा जैसा पढ़ाई किया गया है वैसा एक बाकी गाँव के युवा भी करें, तो अब मिलते हैं अगले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किसी नए किरदार के साथ किसी नए रोल के साथ। एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों से कि हमारे चूरी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम आने वाली मनोरंजक वीडियो का आप दे सकें, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।